नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे एक फोटोग्राफी पॉइंट केदारनाथ धाम में बनाने की घोषणा हुई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और आपको ये पता भी है कि केदारनाथ जो मूवी बनी थी उसमें सुशांत सिंह राजपूत मुख्य भूमिका में थे और उनकी मूवी आज भी काफ़ी सुपरहिट है। हर जगह लोग उसे मूवी को देखते हैं और उसके बाद से ही उत्तराखंड की सरकार ने सुशांत सिंह की याद में एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाने का निर्णय लिया, घोषणा किया। लेकिन कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि भगवान के धाम में इस प्रकार के कदम को अनुचित बताया गया है। सरकार का कहना है कि केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक, विशेष रूप से राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक, उनके नाम से बनने वाली इस फोटोग्राफी पॉइंट पर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकेंगे। और प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में कहा कि राज्य के पर्यटन विभाग को इस विषय में कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है और कांग्रेस का ये कहना है कि ये नहीं बनना चाहिए। वहीं फोटोग्राफी पॉइंट को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जो एक फिल्म बनी थी वो काफ़ी अच्छी फिल्म थी और उस फिल्म में केदारनाथ धाम का पूरा विस्तार से वर्णन था, चित्रण था। और सरकार, उत्तराखंड सरकार का यह कहना है कि हम चाहते हैं कि वहाँ उनका फ़ोटो लगाकर हम उन्हें श्रद्धांजलि दें। और मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने विभाग को बॉलीवुड को उत्तराखंड की तरफ आकर्षित करने के निर्देश दिए हैं ताकि यहाँ अच्छी फिल्में बने और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। आपको पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की 2018 में ये मूवी आई थी केदारनाथ, और इस फिल्म की शूटिंग, अधिकतर शूटिंग केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों त्रिवेणी नारायण वगैरह में हुई है। और ये फिल्म 2013 में केदारनाथ त्रासदी पर आधारित, इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने एक कंडी संचालक, कंडी जो पीठ पर लेकर के जाते हैं, आज भी आप केदारनाथ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और सुशांत भी कंडी चालक थे और तीर्थयात्री को कंडी में बिठाकर धाम तक पहुंचाते थे, इसकी भूमिका उन्होंने निभाई थी। हालांकि कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भगवान के धाम में किसी मानव की स्मृति में पॉइंट बनाए जाने के कदम को अनुचित बताया है और कहा है कि केदारनाथ में जहाँ भगवान शिव विराजमान है वहाँ किसी मानव की स्मृति चिन्ह का क्या मतलब है। जहाँ भगवान केदार हैं, भगवान बद्रीनाथ हैं, वहाँ इस प्रकार के पॉइंट्स बनाकर आप क्या करना चाहते हैं। और रावत ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए केदारनाथ में संचालित विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने योजनाओं के पत्थर बनवा लिए थे, वे उन्हें वहाँ लगवाना चाहते थे लेकिन शंकराचार्यों के मना करने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कांग्रेस का विरोध जारी है और सुशांत सिंह राजपूत की याद में उत्तराखंड सरकार फोटोग्राफी पॉइंट बनाने को लेकर के आगे बढ़ चुकी है और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि केदारनाथ धाम में एक फोटोग्राफी पॉइंट बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।